जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं कि MI A3 के अंदर जो मैंने अपडेट किया हूं, यानी कि फ्लैश किया हूं, जो रोम है अप्रैल मंथ का 5 अप्रैल का एक सिक्योरिटी पैच अप मैं अपडेट किया हूं। अपडेट करने के बाद ऐसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट का इशू और फेस लॉक का इशू देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, जैसे स्क्रीन ऑफ करते ही तो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर। ठीक है, यहाँ पे सेंसर दिख जाता है तो आप यहाँ से बड़े आसानी से ऑन कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ करते ही आपके सामने ये आ जाता है। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया है, इसको आप यूज कर सकते हो। और फेस अनलॉक के लिए मैं यहाँ पे सिंपल लेके लॉक करता हूँ तो यहाँ पे सामने फेस अनलॉक हो जाता है। देखिए, लाइट ऑन करते हैं, ये फीचर्स आप बढ़िया इनेबल कर सकते हो। ये वाला जो रोम है ये स्टेबल है, इसके अंदर कोई दिक्कत मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैंने फ्लैश करने के बाद मैंने पूरा डिटेल्स इसके अंदर यूज किया, तो इसके अंदर मुझे कोई अभी देखने को नहीं मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिया करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लोगों के लिए बहुत सारा MI A3 के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसके अंदर जो हम चेक करते हैं, सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं, जो पैटर्न वगैरह फर्स्ट हम दे देते हैं। पैटर्न देने के बाद आपको फिंगरप्रिंट लॉक देना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए आप अपने हिसाब से फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हो। एक फिंगर मैंने दे रखा हूँ, सेकंड फिंगर के लिए मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। एक आपके सामने एक और दे देते हैं, मिल जाएगा। यहाँ पे सेकंड फिंगर मैंने सेट कर दिया हूँ। जैसे मैंने स्क्रीन लॉक करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पे देखिए, स्क्रीन लॉक होते ही यहाँ पर स्क्रीन लॉक हो गया। स्क्रीन लॉक होते ही ऑटोमेटिक यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपके सामने बढ़िया ऑप्शन है। तो अभी तक आप एंड्रॉइड 9 में हो तो ये वाला रोम फ्लैश कर सकते हो, ये स्टेबल है। मैंने इसका लिंक वगैरह सारे डिटेल्स नीचे दे रखे। जैसे यहाँ पे लॉक है, अब यहाँ पे कुछ टच नहीं कर रहे हम, यहाँ लॉक है ऑटोमेटिक। अगर हम फेस ले आते हैं सामने तो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। ये काफी बढ़िया फीचर्स है। ये रोम फ्लैश करने के बाद मुझे ये डिटेल्स पूरे एकदम स्टेबल हो गया है, आप चेक कर सकते हो। बस ये था आज की वीडियो, मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।